नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। माइकोलॉजी में आज का टॉपिक है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई। फंजाई के सामान्य गुण क्या होते हैं, क्या लक्षण होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, इनको आज हम देखेंगे। सबसे पहले सामान्य कैरेक्टर्स, सबसे पहले छोटी सी समरी। जो फंजाई होते हैं दैट आर यूकैरियोटिक, इनका सेल ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोटिक होता है, नॉन वेस्कुलर होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं एंड हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नॉन मोटाइल करने का मतलब है इनकी लाइफ साइकिल में जब रिप्रोडक्टिव फेज में मोटाइल स्टेज आती है, लेकिन वेजिटेटिव फेज में जो प्लांट बॉडी होती है वो नॉन मोटाइल होती है। जो बॉडी है वो यूनिसेलुलर हो सकती है और फिलामेंटस भी हो सकती है। रिप्रोडक्शन इसमें बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स के द्वारा होता है, क्लोरोफिल नहीं होता इसमें एंड इसीलिए ये हेटरोट्रॉफ्स कहे जाते हैं। इनका जो भोजन होता है दैट स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, स्टार्च के रूप में ना होकर ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। स्टार्च के रूप में उन्हीं प्लांट्स में होता है जिसमें क्लोरोफिल होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, लेकिन चूंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होती, इसलिए स्टार्च के फॉर्म में इसमें फूड रिजर्व स्टोर नहीं होता। बायोसिंथेसिस ऑफ काइटिन अकर्स इन फंजाई, काइटिन जो है इसकी जो वॉल होती है वो काइटिनस होती है और इसलिए काइटिन इसमें बनती है। जो न्यूक्लाई होते हैं दैट आर वेरी स्मॉल, छोटे होते हैं। फंजाई हैव नो एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड डेवलप फ्रॉम स्पोर्स, वो सीधे स्पोर्स से नया प्लांट बनाते हैं, इसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है वो नहीं होती। एम्ब्रियो क्या होते हैं, ज्यादातर होता है जो फ्यूजन के बाद जो जायगोट बनता है वो कुछ मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो टाइप संरचना बनाती है हायर प्लांट्स में, वो इसमें नहीं पाया जाता। जो स्पोर्स होता है वो सीधा नेक्स्ट प्लांट, नेक्स्ट जनरेशन की प्लांट बॉडी बनाता है। सम फंजाई आर पैरासिटिक एंड कैन इन्फेक्ट द होस्ट, बहुत सारे फंजाई ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं और पैथोजेनिक भी होते हैं, मोस्टली प्लांट पैथोजेनिक होते हैं, जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे प्लांट पैथोलॉजी में। संरचना कैसी होती है, जो जनरल स्ट्रक्चर है इसका वो कैसी होती है। ऑलमोस्ट ऑल फंजाई हैव अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ज्यादातर में फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है एक्सेप्ट इन यीस्ट सेल, जो यीस्ट के सेल्स होते हैं, यीस्ट फंजाई है वो यूनिसेलुलर होता है और फिलामेंटस ना होकर उसकी संरचना सेलुलर होती है। आइदर सिंगल सेल्ड, सिंगल सेलुलर होते हैं, या फिर मल्टी सेलुलर होते हैं, जितने भी फिलामेंटस होंगे सभी मल्टी सेलुलर होंगे। फंजाई कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, लंबे थ्रेड नुमा होती है जिसको हाइफी कहते हैं, और ये हाइफी टुगेदर फॉर्म अ मेश लाइक स्ट्रक्चर, एक जाली नुमा संरचना बनाते हैं सारे हाइफी मिलकर, और इसको माइसीलियम कहते हैं। जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स में होता है सेलुलोज की बनी होती है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर काइटिन और पॉलीसेक्राइड की बनी होती है। जो प्रोटोप्लास्ट होता है दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू अदर सेल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियाई सभी कुछ प्रेजेंट होते हैं इसमें। जो न्यूक्लियस है दैट इज डेंस क्लियर विथ क्रोमेटिन थ्रेड्स, जैसा कि सामान्य होता है, बस आकार में छोटी होती है, बाकी संरचना है क्रोमेटिन थ्रेड्स वगैरह सभी कुछ प्रेजेंट होती है। अब इनको सात बिंदुओं पर फोकस करके देखते हैं कि विशेषताएं, जो सात विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले अकरेंस कहाँ पाई जाती है, फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉयल एंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, लगभग सर्वव्यापी हैं और ये हवा में, वाटर में, सॉयल में एंड प्लांट्स में और एनिमल्स में सभी जगह पाए जाते हैं। एयर में ज्यादा आपने देखा होगा, एयर में फंगल स्पोर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, वाटर में ये जो लोअर ग्रुप के फंजाई होते हैं वो वाटर में पाए जाते हैं, सॉयल में माइक्रोराइजा के फॉर्म में पाए जाते हैं एंड स्पोर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स पर ज्यादातर पैरासिटिक फॉर्म में, पैथोजेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कुछ एनिमल्स के भी अंदर होते हैं और वहाँ भी पैथोजेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड, जहाँ वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है वहाँ पर ही ज्यादा पाए जाते हैं। जो फंजाई है दैट आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, इसमें वो माइक्रोब्स आते हैं जैसे कि यीस्ट से लेकर मोल्ड एंड मशरूम सभी कुछ फंजाई में पाए जाते हैं। इसका थैलस का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, जो कि प्लांट बॉडी है, लोअर प्लांट है, थैलोफाइटा में आता है, तो इसकी जो प्लांट बॉडी है डिफरेंशिएट नहीं होती स्टेम, रूट एंड लीफ वगैरह में, इसलिए इसको थैलस बोलते हैं। तो इस थैलस का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, एक्सेप्ट सम यूनिसेलुलर फॉर्म, कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे यीस्ट एंड सिंकाइट्रियम। द फंगल बॉडी इज अ मल्टीसेलुलर थैलस मेड अप ऑफ माइसीलियम, मल्टीसेलुलर थैलस के फॉर्म में प्लांट बॉडी होती है एंड जो कि माइसीलियम की बनी होती है, और माइसीलियम जैसा कि आपको पहले बताया दिस इज अ कंपोज्ड ऑफ हाइफी, माइसीलियम इज अ इंटरवूवन मास ऑफ थ्रेड लाइक हाइफी, हाइफी में भी सेप्टेट, हाइफी जो है वो सेप्टेट भी हो सकती है, सेप्टेट का मतलब कि क्रॉस वॉल हो सकती है, पार्टीशन हो सकती है एंड एसेप्टेट, एसेप्टेट का मतलब है इसमें पार्टीशन या क्रॉस वॉल नहीं होगी।
यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज सेप्टेट हाइपी, ये फिलामेंट जो है इसके बीच बीच में कहीं कहीं क्रॉस वॉल्स यानी कि सेप्टा प्रेजेंट है। एंड दैट सी डायग्राम इसमें आप देख सकते हैं दिस इज नॉन सेप्टेट हाइपी, इसमें कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगी, जबकि सेप्टेट में बीच बीच में क्रॉस वॉल प्रेजेंट होगी, जैसे कि यहाँ पे क्रॉस वॉल है, यहाँ पे क्रॉस वॉल है। एंड दिस फर्स्ट डायग्राम इज यूनिसेलुलर। सम फंजाई आर डाइमॉर्फिक, कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिसमें डाइमॉर्फिक दोनों ही स्टेज प्रेजेंट होती है, यूनिसेलुलर भी होती है एंड माइसिलियम फॉर्म भी प्रेजेंट होते हैं, उसका एग्जांपल है कैनिडा एल्बिकेंस। अब देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ माइसिलियम, माइसिलियम कितने प्रकार का पाया जाता है फंजाई में, कुछ एक प्रकार मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर। उसमें फर्स्ट है प्लैटन काइमा, इसको सिंपल भाषा में फंगल टिश्यू भी कहते हैं। इसमें क्या होता है हाइफा ऑर्गेनाइज्ड लूजली और कॉम्पैक्टली, जो हाइफा होते हैं बहुत ही लूजली या कॉम्पैक्टली वुवेन होते हैं, एक दूसरे से फंसे हुए उलझे हुए होते हैं, इस तरह से ये एक प्लैटन काइमा बनाते हैं, इसको प्लैटन काइमा कहते हैं। ये दो तरह का हो सकता है, पहला पोसन काइमा या पोसो प्लैटन काइमा। यहाँ पर जो हाइफे होते हैं माइसिलियम के, दीज आर लूजली इंटरवुवेन, बहुत ही लूजली इंटरलॉक्ड होते हैं एक दूसरे से एंड लाइंग मोर और लेस पैरेलल टू इच अदर। ज्यादातर जो फिलामेंट्स होते हैं थ्रेड्स होते हैं हाइफे के, वो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं दिस इज ए पोसन काइमा, या इसको पोसो प्लैटन काइमा भी कहते हैं। एंड सेकेंड इज स्यूडो पैरन काइमा या फिर पैरा प्लैटन काइमा। यहाँ पर जो फंगल टिश्यू हाइफे के हैं, दीज आर कॉम्पैक्टली इंटरवुवेन, बहुत ही कॉम्पैक्टली बहुत ही पास पास इंटरवुवेन होते हैं और देखने में ऐसा लगता है पैरेन्काइमा, जो हर प्लांट्स के पैरेन्काइमा के सेल्स दिखाई देते हैं उस तरह के दिखाई देते हैं क्रॉस सेक्शन में। यहाँ आप देख सकते हैं चित्रदी में स्यूडो पैरेन्काइमा, हम जैसे हर प्लांट्स के टीएस काटते हैं जब स्टेम के या लीफ के, तो हमें पैरेन्काइमा टाइप सेल्स दिखाई देती है इस तरह की, वैसे ही यहाँ पर दिखाई देते हैं। दूसरा जो माइसिलियम का ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कॉल्ड स्क्लेरोशिया। स्क्लेरोशिया क्या होता है, दीज आर हार्ड डोरमेंट बॉडीज, डोरमेंट मीन्स होती हैं सुसुप्त होती हैं, जो ऐसी बॉडीज होती हैं दैट कंसिस्ट ऑफ कॉम्पैक्ट हाइफी, बहुत सारी कॉम्पैक्ट हाइफी आपस में पैक रहती है एंड प्रोटेक्टेड बाय एक्सटर्नल थिकेंड हाइफी, जो कि बाहर की तरफ एक थिक हाइफल कवर से ढकी हुई होती है। दिस इज सी स्क्लेरोशिया, दिस इज हाइफी, उसके बाहर की तरफ एक कवरिंग होती है जो बहुत ही थिक कॉम्पैक्ट हाइफी की। ये जो स्क्लेरोशिया होते हैं जर्मिनेट करते हैं इनटू माइसिलियम, जर्मिनेशन के बाद ये माइसिलियम बनाते हैं और फेवरेबल कंडीशन में नई थैलस को जन्म देते हैं एक तरह से, इसका एग्जांपल है पेनिसिलियम। तो एक तरह से एक रिप्रोडक्टिव बॉडी है स्क्लेरोशिया। थर्ड इज राइजोमॉर्फ। राइजोमॉर्फ क्या होते हैं, दीज आर रूट लाइक कॉम्पैक्टली इंटरवुवेन हाइफी, जड़ों की ऐसी संरचना बनाते हैं आपस में, जो हाइफी है वो बहुत ही इंटरवुवेन होते हैं और जड़ों की ऐसी संरचना बनाते हैं विथ डिस्टिंक्ट ग्रोइंग टिप, जैसे कि जड़ों में ऊपर ग्रोइंग टिप दिखाई देती है उस तरह की यहाँ संरचना दिखाई देती है। दिस इज डी राइजोमॉर्फ, देख सकते हैं आप, ये जिस फॉर्म का रूट नहीं है, ये हम जो हाइफी है फंगल हाइफी है और इस तरह से अरेंज है जैसे कि रूट टिप की तरह दिखाई देती है और इसकी वृद्धि जो है वो एपिकल जोन से होती है जैसे कि हायर प्लांट्स के रूट्स में होती है। इसका रोल क्या है, दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड पेरिनेशन, एब्जॉर्ब करने का कार्य करते हैं सॉइल से न्यूट्रिशन एंड वाटर एंड पेरिनेशन। पेरिनेशन करने का मतलब है टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल पीरियड, जब अब सीजन फेवरेबल नहीं होता उस समय ये सभी संरचना बनाती है राइजोमॉर्फ जैसी, और जब सीजन फेवरेबल हो जाता है तो वापस ये लूज होकर नए फिलामेंट्स बनाती है, नए राइफी बनाती है और इस तरह से ये पेरिनेशन का कार्य करती है। उसका एग्जाम्पल है आर्मिलेरिया मेलिया। अब देखते हैं सेल की संरचना क्या होती है। जो फंगल सेल होता है इसकी जो सेल वॉल होती है दैट इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन, काइटिन को फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है C22H54N4NO21। इन प्रिमिटिव फंजाई ट्रू सेलुलोज विद और विदाउट काइटिन इज फाउंड। जैसे आपको मालूम है जो लोअर ग्रुप के फंजाई होते हैं जैसे वाटर मोल्ड जिसको कहते हैं फाइकोमाइसिटीज, इनकी ज्यादातर विशेषताएं जो मिलती हैं वो एल्गे से मिलती हैं और वहां पर ये इनके सेल सेल वॉल में सेलुलोज भी पाया जाता है। इनको हम बाद में पढ़ेंगे एफिनिटीज विद अदर प्लांट ग्रुप्स के साथ पढ़ेंगे इसको। फिर प्लाज्मा लेमा में दैट बियर्स ओकेजनल कॉइल इन ग्रोथ्स,
जो प्लाज्मा लेमा प्रेजेंट होती है सेल वॉल के नीचे, उसमें की जो वॉल होती है वो अंदर की तरफ फोल्डेड होकर लोमेसोम्स बनाती है सेल वॉल के नीचे। उसके बाद साइटोप्लाज्मिक कंटेन्स ऑर्गेनिल्स जैसे कि ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गॉल्गी बॉडीज एंड बहुत सारे सेल इंक्लूजन प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्टोर्ड फूड के फॉर्म में, पिगमेंट्स के फॉर्म में एंड सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में। जो साइटोप्लाज्म एट हाइफल टिप, जो जहां से टिप की वृद्धि होती है, हाइफा वृद्धि करता है, उस टिप की तरफ जो गॉल्गी वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं इसको काइटोसोम्स कहते हैं। और ये काइटोसोम्स होती हैं दैट आर फिल्ड विथ सेल वॉल मटेरियल, इसमें सेल वॉल मटेरियल भरी होती है जो कि जैसे जैसे सेल वृद्धि करती है, हाइफा वृद्धि करता है, वहां पर सेल वॉल डिपोजिशन में हेल्प करती है। न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड एंड कनेक्टेड विथ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। जो न्यूक्लियस होता है दैट डिवाइड बाय इंट्रा सेलुलर माइटोसिस, और इस प्रोसेस को कैरियोकोरोसिस भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, जो न्यूक्लियर एनवलप है वो डिजोल्व नहीं होता, ब्रेकअप नहीं होता, वो इंटैक्ट बना रहता है और न्यूक्लियर डिवीजन के दौरान, और जो स्पिंडल फॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियर एनवलप के अंदर होती है। जो रिजर्व फूड होता है फंजाई में दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड ऑयल के फॉर्म में फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। आप देखते हैं फंजाई में न्यूट्रिशन कैसे होता है। मोस्ट ऑफ द फंजाई आर पैरासिटिक, ज्यादा जो फंजाई होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं। और उसकी विशेषता क्या होती है, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से भोजन प्राप्त करते हैं, और जो पैरासाइट्स होते हैं वो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, नॉब्लिगेट पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। जो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होते हैं दे ग्रो ऑन वेराइटी ऑफ टिश्यू, बहुत सारे अलग अलग टिश्यू में पाए जाते हैं, टिश्यू पर उगते हैं एंड दे ऑफन कॉज सॉफ्ट रॉट डिजीज, इसका एक एग्जाम्पल है अस्टिलैब। दूसरा है ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट जो होते हैं वो प्योरली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट प्लांट एंड दे एब्जॉर्ब फूड थ्रू स्पेशलाइज्ड होस्टोरिया। होस्टोरिया संरचना इसमें पाई जाती है जिससे ये जो होस्ट प्लांट है वहां से भोजन एब्जॉर्ब कर सकें। द पैरासिटिक फंजाई दैट ग्रो ऑन द सर्फेस ऑफ द होस्ट, कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ सर्फेस पे ही ग्रो करते हैं और वहीं से भोजन प्राप्त कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और वहां से भोजन एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो सरफेस से करते हैं, दे गो ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट सेल एंड एब्जॉर्ब फूड थ्रू होस्टोरिया, ऐसे फंजाई को एक्टोपैरासाइट्स भी कहते हैं या एक्टोफिटिक फंजाई कहते हैं, उसका एग्जांपल है म्यूकर एंड एनिरिसाइफी। जबकि कुछ पैरासिटिक फंजाई ऐसे होते हैं दैट गो इनसाइड द होस्ट टिश्यू, होस्ट टिश्यू के सेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और ऐसे फंजाई को एंडोपैरासाइट्स भी कहते हैं या एंडोफिटिक फंजाई भी कहते हैं, उसका एग्जाम्पल है पीथियम एंड पक्सिनिया। अब देखते हैं सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं। सेप्रोफाइट्स को सेप्रोस भी कहते हैं एंड दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पड़ा होता है उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं, दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वो डाइजेस्ट हो जाता है और वहां से वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसका एग्जाम्पल है म्यूकर, एगेरिकस एंड राइजोपस। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो प्रेडेशियस होते हैं, प्रेडेशियस मतलब होने का वो ट्रैप कर लेते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, जैसे उसका एग्जाम्पल है सम सॉइल फंजाई, दे डेवलप रिंग लाइक नोजेस और ट्रैप, और क्या ट्रैप करते हैं, कुछ एनिलिड्स और निमेटोड्स जो होते हैं उनको ये ट्रैप कर लेते हैं और फिर वहां से वो अपना भोजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनकी बॉडी से, उसका एग्जाम्पल है एंथोबोटाइटिस, जूफैगस एंड डेक्टाइलेला। नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक, कुछ फंजाई सिम्बायोटिक होते हैं और इनकी विशेषता ये होती है कि दे फॉर्म अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिजम्स, और इस प्रक्रिया में दोनों को ही लाभ पहुंचता है। इसके मोस्ट जो सबसे कॉमन एग्जांपल हैं दीज आर लाइकेंस एंड माइकोराइजा, इनके बारे में थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या होते हैं ये। सबसे पहले लाइकेंस, लाइकेंस जो है इनमें जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन है वो फंजाई और एल्गी के बीच में पाया जाता है। जो फंगल पार्टनर होता है वो मोस्टली एस्कोमाइसिटीज या फिर बेसिडियोमाइसिटीज का फंजाई होता है, जो फंगल पार्टनर है वो एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप का फंजाई होता है, वाइल द एल्गल पार्टनर इज ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी हो सकती है या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकती है। माइकोराइजा क्या होते हैं, सेकंड इसको फंगस रूट भी कहते हैं, और इसमें विशेषता यह है कि इनका जो म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है वो सॉइल फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बीच में होता है। 95% ऑफ ऑल प्लांट, जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं उसमें से 95% प्लांट्स हैं उनकी फैमिलीज में
माइकोराइजल एसोसिएशन पाया जाता है। और ये माइकोराइजा दो तरह के हो सकते हैं, पहला एक्टोमाइकोराइजा इसको ECM भी कहते हैं, एंड सेकंड एंडोमाइकोराइजा जिसको आर्वस्कुलर माइकोराइजा या जिसको शॉर्ट में AM या BAM वैसिकुलर आर्वस्कुलर माइकोराइजा भी कहते हैं। इन दोनों की क्या विशेषता है, हाइफी ऑफ ECM फंजाई डू नॉट पेनिट्रेट द सेल वॉल ऑफ द प्लांट रूट सेल। जिस प्लांट में एसोसिएशन होता है इनका, जिन प्लांट के रूट सेल ECM का एसोसिएशन होता है, वो उसके सेल वॉल को पेनिट्रेट नहीं करते, जबकि जो वैम फंजाई होते हैं, एंडोमाइकोराइजा फंजाई होते हैं, दे पेनिट्रेट द सेल वॉल ऑफ द प्लांट। जिस जड़ों के साथ इनका एसोसिएशन होता है उनके सेल वॉल के को एंटर कर जाते हैं ये, और अंदर जाकर वेसिकल्स एंड आर्बस्कल्स बनाते हैं। छठी जो विशेषता है फंजाई की, दिस इज हेटरोथैलिज्म एंड होमोथैलिज्म। इसको स्टडी की सबसे पहले किया था AF ब्लैकेसली ने 1904 में। उन्होंने डिस्कवर्ड मेटिंग टाइप्स और जेनेटिकली डिस्टिंक्ट स्ट्रेन्स इन म्यूकर में स्टडी की थी, और ये आइडेंटिफाई किया था कि म्यूकर के प्लांट में अलग अलग मेटिंग टाइप्स हो सकते हैं, और इसको एक तरह से जेनेटिकली डिस्टिंक्ट स्ट्रेन, अलग अलग स्ट्रेन के म्यूकर के फंजाई हो सकती है। टाइप्स अलग अलग टाइप के, अगर मेटिंग टाइप प्रेजेंट है, अलग अलग डिस्टिंक्ट जेनेटिक स्ट्रेन प्रेजेंट है, तो ऐसे फंजाई को हेटरोथैलिक कहते हैं, और अगर डिस्टिंक्ट नहीं है, फंजाई विदाउट मेटिंग टाइप या डिस्टिंक्ट स्ट्रेन्स प्रेजेंट नहीं है, तो उसको होमोथैलिक कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि जो हेटरोथैलिज्म एक फीचर है, हेटरोथैलिज्म इंट्रोड्यूसेस वेरिएशंस इन द स्पीशीज। एक स्पीशीज में बहुत सारी वेरिएशन पाई जाती है हेटरोथैलिज्म की वजह से। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। फंजाई में वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल तीनों विधियां होती है रिप्रोडक्शन की, हालांकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज मोर प्रीडोमिनेंट, ये ज्यादा विस्तार से पाई जाती है। और जितने भी क्लासिफिकेशन है फंजाई के, उसमें आपने देखा होगा एस्को स्पोर्स बनते हैं तो एस्को माइसिटीज, बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं तो बेसिडियो माइसिटीज, इस तरह से स्पोर्स जो है किस तरह का बनता है, कौन सा स्पोर बनता है, वो एक आधार बनता है क्लासिफिकेशन का। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई की अगली सीरीज में। धन्यवाद।